नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के स्कोर कार्ड के बारे में, जिसका लिंक एक्टिवेट हो गया और रिजल्ट भी आ चुका है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हमको खोलना है। सबसे पहले कोई भी आरआरबी को खोल लेना है। आरआरबी मान लीजिए भोपाल को ही हमने खोल लिया गूगल में। अब आरआरबी भोपाल में जाइएगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ क्लिक करने के बाद जैसे आप नीचे जाएंगे आरआरबी भोपाल में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, CEN 2019 15/1/2022 है और CEN 01/2019 NTPC CVT1 स्कोर कार्ड लिंक। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके पास एक लिंक ही खुल जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कार्ड कितना है। इसमें तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, एक तो आपका बेसिक डिटेल होगा, एक आप फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और तीसरा आप अपने स्कोर कार्ड को देख सकते हैं, जहां पे आपको बताया जाएगा कि आपको मार्क्स कितना आया, प्रो रेटेड स्कोर कितना आया, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में कितना दिया गया, सभी कुछ को आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो यही छोटा सा अपडेट है। वीडियो के लिंक में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप तुरंत चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर किसी को जानना होगा उनके स्कोर कार्ड के बारे में, तो आप लोग मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका स्कोर कार्ड देख लूँगा, तो देख के आपको कमेंट करके बता दूंगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।